हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्किंग ऑप्शंस हैं जो कि वुमेन अपने घर से कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकते, और घर से बाहर जाके मतलब लाइक घर में फैमिली में बच्चे हैं या कुछ अदर फैमिली कमिटमेंट्स हैं, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ भी इस तरीके के कि आप नहीं जा सकते, या कम पढ़े लिखे हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारे आज के टाइम में रीजंस हैं, तो इस चीज़ के लिए ही ये वीडियो है कि आप कैसे घर पे बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं बिना कहीं बाहर जाए। ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बट आप घर से बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज सच। तो इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि आप लोग कर सकते हैं वो है कि आप ऑनलाइन जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आजकल रीसेलिंग का काम चल रहा है, जैसे कि मीशो ऐप है, शॉप 101 है, अर्न करो है, कैश करो है, इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपने घर से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ आपको कुछ टाइम देना होगा एंड आप अपना प्रॉपर पूरा वो खोल सकते हैं, पूरी एक तरीके से वर्चुअल शॉप खोल सकते हैं जिसका काम आपको सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से करना है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए और उसके साथ आपको चाहिए उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन। बाकी सारी चीज़ें घर बैठे खुद ब खुद बस आपको कॉपी पेस्ट करनी है और आगे शेयर करनी है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे कि आप अपने उस बिज़नेस को बढ़ा कैसे सकते हैं, बट पहले हम लोग अब नेक्स्ट बिज़नेस की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हम लोगों का बिज़नेस है वो ये है कि आप घर बैठे खाना बना सकते हैं, जैसे कि आप टिफ़िन्स का काम खोल सकते हैं। मेरी फ्रेंड है एक जिसके घर पे टिफ़िन से खाना आता है, वो सिंगल मदर हैं जो टिफ़िन प्रोवाइड करती हैं उसको, एंड उन्होंने अपनी तीनों लड़कियों की पढ़ाई साथ में अपने घर को फुल फर्निश्ड विद LED TV एंड हर सर्विस प्रोवाइड करी हुई है सिर्फ और सिर्फ एक इसी काम से। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कितना अच्छी अर्निंग है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे PG काफ़ी रहते हैं, लोग सिंगल जो एक एक लोग कहीं बाहर से जॉब करने के लिए आते हैं या फिर स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उस एरिया में तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो सेम यही काम है वो इस तरीके से कि आप अपना स्नैक्स का काम खोल सकते हैं अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं, जैसे कि समोसे, कचौड़ी, इस तरीके की कोई भी ऑर्डर्स, क्योंकि लोग घर का बना हुआ खाना बाजार से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप अपने घर पर बनाएंगे तो लोगों को ये श्योरिटी भी होगी कि साफ सफाई से बन रहा है, साथ में जो जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं बड़े फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कहते हैं कि बाजार का खाना ये वो, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है ये कि अगर आप घर पे बनाते हैं तो लोगों को ये रहेगा कि ठीक है यार वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, जैसे कि नमक पारे, मठरी, समोसे, इस तरीके के छोटे छोटे जो स्नैक्स होते हैं ये सारी चीज़ों का काम आप खोल सकते हैं। एंड साथ में और भी खाने की चीज़ें, आप जो छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं जैसे कि फ्रेंकीज, रोल्स, ये सारी चीज़ें आप स्विगी या जो आपका जोमेटो वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है उसमें डाल करके अपना जब भी आपके पास ऑर्डर आए तब आप उसको बनाकर भेज सकते हैं। और उसमें साथ में ये भी ऑप्शन होता है कि आप कब ऑर्डर्स ले रहे हैं एंड आप कब ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही रहेगा वो भी। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ इस तरीके के काम खोल सकते हैं, जैसे कि क्रोशिया वर्क, श्रग्स, पोंचू काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो आप कुछ इस तरीके की चीज़ें खोलकर उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आजकल तो हैंडमेड पर्सेस वगैरह का भी बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है, ये सब क्रोशिया से जो बनते हैं, तो आप कुछ इस तरीके का भी कर सकते हैं। आप अपना काम खोल के इस तरीके से लोगों में शेयर करेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि आप उसको कैसे शेयर करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो या लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। जो उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस है वो है कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं अपने घर से। हाँ जी, गार्डनिंग का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे अभी रिसेंटली पता चला है इसके बारे में कि आप घर पे अपने घर पे अपनी बालकनी में गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे सैपलिंग्स और इस तरीके के प्लांट्स उगा सकते हैं, जितने भी आपके ये सेक्यूलेंट्स होते हैं या सैपलिंग्स हो गए छोटे छोटे प्लांट्स के, जो कि हर घर में मोस्टली यूज़ होते हैं। आजकल तो इंडोर प्लांट्स का वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट्स अपने केयर करके उनको थोड़ा सा बड़ा करके आप उनको बेच सकते हैं आगे। इसके अलावा आप मतलब मंथली विजिट्स के लिए आप 4-5 घर पकड़ सकते हैं कि जितनों को आपने सप्लाई किया है, तो जितने भी लोगों को आपने सप्लाई किया है आप उनके घर पर इस तरीके से मंथली विजिट्स रख सकते हैं उसकी केयर टेकिंग के लिए, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना ही लोगों को इतना आइडिया होता है। तो अगर आप इस चीज़ में अच्छे हैं तो आप ये चीज़ अपने घर बैठे कर सकते हैं, खोल सकते हैं, एंड साथ में फिर लोगों से कॉन्टैक्ट करके आप अपने एरिया के नियर बाय एरिया में उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनके पास जा सकते हैं मंथ में एक बार, और उनके प्लांट्स की थोड़ी सी जो भी प्रूनिंग या फिर
जो भी उसके अंदर खाद वगैरह डालने का काम है जैसा भी है वो सब उनको बता करके आ सकते हैं। तो एक ऑप्शन था ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने घर से ही ज्वेलरी या क्लोथ्स वगैरह रीसेल करना स्टार्ट कर दें। ज्वेलरी आजकल हैंडमेड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा फैशन में है, जैसे कि टेराकोटा ज्वेलरी हो गई और वो जो थ्रेड वाली ज्वेलरी आजकल चल रही है, इस तरीके से बहुत सारी। अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी मार्केट्स भी हैं जहाँ से आप बल्क में ऑर्डर ले मतलब अपने लिए खरीद सकते हैं एंड देन उसको सेल कर सकते हैं फर्दर। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। आप खुद से उसमें एड ऑन्स कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ में अच्छे हैं, जैसे कि आपने एक ईयरिंग लिया उसके अंदर आपने मोती ऐड कर दिए या किसी में आपने स्टोन्स ऐड कर दिए, किसी में आपने नीचे एक और झुमकी ऐड कर दी। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आप खुद कस्टमाइज करके डिज़ाइंस को लोगों को बेच सकते हैं या फिर लोगों के कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आप उन्हें बता सकते हैं कितना कस्टमाइज हो जाएगा और वो करके बेच सकते हैं। ज्वेलरी का काम बहुत अच्छा होता है, नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी लोग ऑर्डर करते हैं ज्वेलरी वगैरह जो ये हैंडमेड टेराकोटा और इस तरीके की है। तो ये चीज आप जरूर एक बार ही देख सकते हैं, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, मतलब कि आप अब वो आपके टोटली इंटरेस्ट के ऊपर है, ये हर कोई नहीं कर सकता है एक्चुअली। जो थोड़ा ज़्यादा स्किल्ड है, जिसकी फोटोग्राफी स्किल्स अच्छे हैं और ये सारे हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको कुछ चीज़ें उसके लिए धीरे धीरे सीखनी भी पड़ेंगी विद टाइम। और सीखना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपके पास यूट्यूब है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंटरनेट इतना ज़्यादा सस्ता है इस टाइम पर, तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली सीख सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मतलब कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए और इस तरीके से। तो आपको ब्रांड्स फिर कॉन्टैक्ट करते हैं, बट उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके आपका सच में उस चीज़ में इंटरेस्ट है भी या नहीं। और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, लाइक अगर आपका गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सीड्स वगैरह के ब्रांड्स होते हैं वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फैशन से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है तो लोग उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इस तरीके का इंटरेस्ट है तो लोग आपको इस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स का काम है। साथ ही एक चीज़ और है जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है मार्केट में, वो है रीकिंडल। अमेज़न जो है वो अपना एक नया वो निकाल रहा है, मतलब स्पेशली वेमेन के लिए, जो लोग घर से काम करना चाहते हैं, घर बैठ के काम कर सकते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए उनके लिए रीकिंडल करके उनकी एक नई स्कीम आ रही है अमेज़न की, जिसमें आप अपने घर बैठे काम कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ये अभी आई नहीं है बट जल्दी ही ये आ जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। एंड गाइस, जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप कर तो लेंगे ये सारी चीज़ें बट इसको बढ़ाएंगे कैसे, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाएं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स ऑलरेडी इस तरीके के बने हुए होंगे जिसपे लोग अपना सामान बेचते हैं, खरीदते हैं दूसरे से, तो आप इस तरीके के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना खुद का ग्रुप बना सकते हैं एंड उसमें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं इन चीज़ों में उनको वो ऐड कर ले, तो इस तरीके से। एंड व्हाट्सएप पे तो अब आई थिंक 250 लोगों को आप एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, तो 250 लोग कम नहीं होते हैं। एंड साथ में वो आगे किसी को बताएंगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा। साथ में आप फेसबुक के इस तरीके के पेजेस ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बेचना खरीदना और ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज खोल सकते हैं जिसमें आप अपनी ज्वेलरी या जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं एंड लोग ऑर्डर करके आपसे ख़रीद भी सकते हैं साथ में। तो ये कुछ मेथड्स हैं, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि आपकी हर चीज़ को घर बैठे पूरा कर सकता है, तो आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में एक बार ही देखना। और इस तरीके से इसी में ईजी से मेथड से आप लोग बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं घर बैठे बैठे बिना कहीं जाए। सो गाइस, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप कर देना इसमें जो ये साइड में बना हुआ आता है वीडियो के नीचे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप और किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। कमेंट करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ भी रहे हैं या फिर आप क्या देखना चाहते हैं फर्दर। Till then, bye-bye, take care.